प्यारी साहब संगत महाराज संत राम जी की वाणी आप रोज पढ़ सुन रहे हैं। महाराज ने समाधि किस तरह लगानी है, नाम कैसे जपना है, युक्ति क्या है, विधि क्या है, सारा इस बात को समझाया है। क्योंकि बिना सिमरन शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। महाराज फरमा रहे हैं, यो यतन दे नाल जगा लाटा सास ना भी दे विच चुका थोड़ा। महाराज रास्ता बता रहे हैं किस प्रकार ध्यान लगाना है। मित्र जोड़ गोवे पलट जीव ताई हेठा तीर दे ताई झुका थोड़ा। ऐसे बैठ के रोज जैसे बताया, नेत्र नाक के अगर भाग में और हो सके दाढ़ी के साथ जीभ लगानी है और फिर ओम नाम का सिमरन, वो मंत्र का जाप धीरे धीरे श्वास द्वारा करना है। हंसा उमदे नाम गा करो सिमरन ध्यान कर दू गला बिला भाई। ओम नाम का सिमरन, वो मंत्र का जाप जो भी हम ने बख्शिश की और फिर वो ना सुनेगा जिसको महापुरुषों ने अनहब नाम कहा है। अनहब जिसकी हब नहीं है, दिन रात चल रहा है नाम, श्वास चल रहे हैं, दिन रात बंद हो जाए क्या होगा। श्वास से महाराज कह रहे हैं समाधि लगाकर सुमन करते हुए उस मार्ग को सुनने का अभ्यास करो भाई। देखो क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, हर समय हर पल हर घड़ी ये श्वास सुंदर में लग जाए, ऐसा अभ्यास करना है। संतदास जे किते आनंद आवे फिर राज के भी कह भात हो। क्या होगा जब अनुभव हो जाएगा आनंद का, फिर देखना क्या नजारा आया है। सिमरन जबान से हो सके तो ठीक है, नहीं तो सासों की बात महाराज बता रहे हैं। मानसिक जाप, मन हर समय परमात्मा का सिमरन कर रहा है, उसे सुनना है हमें। अर्थात जब आप बैठे समाधि में, घर में बैठे हो तो ये देखो मेरा श्वास जो है ना, ये ओम नाम बोल रहा है,
ये है अजपा जाप मानसिक जाप ये कहते सुनना सर्वश्रेष्ठ है। इसका अभ्यास करना है कि हम देखें हम उस नाद को सुन रहे या नहीं और हर सांस हमें ओम की ध्वनि में नशा नजर आ रहा नहीं। उसकी आवाज से मन को पूर्ण करना है। मन टेंटर है ना, शांत कैसे होगा? उस आवाज से ईश्वर नाम में ही शक्ति है, ओम नाम में शक्ति है भाई। और निरंतर अभ्यास से शक्ति का अनुभव होगा। वैसे नहीं, हम अपनी ऊर्जा जो है ना उसको बातों में निंदा में इधर के समय में व्यस्त कर रहे हैं। जब ऊर्जा जागृत होगी उसका अनुभव होगा। ये तभी होगा जब सतत निरंतर मन जप की पढ़ाई में उतर जाएगा और वहां पहुंच जाएगा जहां से फिर कोई खौफ खतरा नहीं। न राजा मूर्ख सत्यन जी ने कहा जब तू वहां पहुंचेगा, राजन कहते चोर को, चोर है कांकार या बचा अपजा जाप करेगा मन को शक्ति मिलेगी। मन कभी तो बड़ा कटोगुनी हो जाता है, बड़ा शांत है भगवान का नाम ले रजोगुनी जीवन दिन चलता जाएगा। ब्रह्म होत में क्यों कहा पाठ करने, मन में सत्वगुण का ज्यादा प्रभाव होता है। मन शांत होता है भगवान का नाम लेते हैं, जो दिन चलेगा रजोगुनी रजोगुण जो है ना वो आगे अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, कारोबार में लग जाए और तमोगुण प्रधान हो जाएगा। तमोगुण में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो कैसी के विचार आएंगे। इस वास्ते कह रहे हैं कि जब तू नाम का चिंतन करेगा सतोगुण ही प्रधान रहेगा। इस वास्ते साधक को हम जैसे जो वृष्टि लोग हैं मन को अभ्यस्त करना है। मन ऐसी अवस्था में आ जाएगा हर प्रस्थिति में हर हालात में गरीबान घबराना नहीं, चिंता नहीं है और शीरवान हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी हमारे अनुकूल होंगे तो प्रसूर होंगे। हमारा मन चाहा बाद न ही संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान से दुर्मुख हो जाते हैं। भगवान ने क्या किया, ऐसा नहीं करना है। कहता है कि हर स्थिति में मन को काबू में रखना है। भगवान ने गीता में कहा चित प्रज्ञ है अर्जुन, तू चित प्रज्ञ हो जा, अर्थात हर हालात में खुश रहने की बात है। भगवान हमारे हितैषी है ना, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। भक्त सदा आंतरिक संतुलन को कायम रखता, पूरी तरह से मन डोबे नहीं। ऐसा भाव कब होगा हमारे कहने, जब तू ओम का सुमन करेगा, नाम का सुमन करेगा, श्वास की ध्वनि सुनेगा और भक्ति में पढ़कर त्याग अपने आप आ जाएगा। श्री बापू श्रद्धा राम जी महाराज दिन रात भक्ति करते रहना, त्याग त्याग की प्रकाष्ठा थी। दरबार से खाने की बात तो छोड़ो, पानी भी बात से मुड़ा के पीते थे। इससे बढ़कर अब त्याग का महान जो है आदर्श हमारे सामने क्या हो सकता है। तो त्याग की भावना हो, देने की भावना हो, इसमें कठोरता नहीं आएगी ना। मन जो है सारी सारी की सारी कथाएं सारे महापुरुष एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, मन को बलपूर्वक जो है ना दमन करने का प्रयास करोगे विद्रोह करता है वो और उल्टा हो जाएगा। इस वास्ते स्वभाव बना लो कि वृत्तियों का झुकाव जो है ना हमारा स्वभाव हो, वो बन जाए नाम सिमरन का, सात्विक हो जाओ। स्वभाव बदलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और जो है महापुरुषों के चरण में बैठे रूप केवल मुंह मोड़ना है, जैसे पानी का प्रवाह चल रहा है
उसको हम मोह देते हैं मान लगाकर। ऐसे ही मन को मौलिक रूप है, वे नाना प्रकार की वस्तुएं हो सकती है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो। आसक्ति संसार में जो है वो दुख का कारण बनती है। तो काना कर्मण्य अधिकार से तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। कर्म मैंने काम किया, कामयाबी हुई या नहीं मुझे से रुका नहीं, ये प्रभु इच्छा पर निर्भर है। दुख सुख शोक निराशा ये तभी तक मुश्किल करता है जब बुद्धि सिर नहीं होगी। जब मन पर वक्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो फिर कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, सब मेरे हैं, सब प्रभु के हैं, ऐसा सामने रूप देखने लगेगा, मन शांत हो जाएगा। और आसक्ति जो है ना, आदमी अपने आप निराशक्त हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, कुछ चाहिए नहीं, केवल एकमात्र प्रभु का दर्शन। ये इच्छा इस बात की होगी मुझे भगवान मिल जाए, क्यों नारायण मिले, तो सब कुछ अपने आप आ जाए। पर ही तो सरस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा नहीं अधिमाए, किसी को दुख देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और पर हित जो दूसरे का हित करते हैं, उपकार करते हैं, उसके सामने मुझे ऐसा कोई सुख नहीं है। जटायु मां जानकी को बचाने के लिए प्राण निछावर कर दिए। राम आए ना, गोल में ले लिया, फिर शरीर को रख लू, महाराज क्या करें आप, कि राम सन्मुख हो और मृत्यु आ जाए, इससे बढ़कर और सौभाग्यशाली समय कब होगा। शरीर में तो जाना ही है, जन्म जन्म मुनि यजन कराएं, अंत का आदान आवरना है, जन्म जन्मांतर पर मुनि जब तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके मुंह से राम निकलता ही नहीं है, अकेली बाहर कहीं विचार और चला जाएगा। और आज आप मेरे समक्ष हैं, मैं आपकी गोद में हूँ, इससे बढ़कर और अच्छा नजारा मृत्यु का क्या होगा। पहले की बात है, अगला की रक्षा के लिए जान दे दी, ये कर्तव्य है इंसान का। राम जी ने क्या कहा, ऐसी बात नहीं है, रामायण में रोज पढ़ते हैं, तात कर्म निज ते गति पाई, पर हित दस जन है एक मन मोय। पर हित की बात जिनके मन में है, किन को जग दुर्लभ कुछ न, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ मिलेगा। और तुमने जो है परम गति प्राप्त की है अपने कर्मों से की है, पारित के लिए की है, मेरे सुख के लिए नहीं की है, केवल अपना कर्तव्य समझ कर, तो धन्य है तू। सात संगत ये सारी बातें रोज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना करनी महाराज सच्चे पातशाह, ध्यान ध्यान मन का ये गाना ना सुनते चले जाए हम, और जब तक मन फिर रहे, इंद्रियां दमन हो जाए, पारित में हम लगे, सबका सुन मांगे, दूर ना करें, सेवा करें, सुमरण करें, दान करें, सारा मार्ग यही समझा रहा है। जन जन के अंदर ये भावना हो जाए कि हमने जीवन को सार्थक करके जाना है, मैला करके नहीं चादर को जाना, ऐसा विचार परिपक्व करना है। मार्ग की कथा चल रही ना, ये ब्राह्मण पाप कर्म करके पिशाच हुआ, जंगल में भटक रहा है, वो प्यास से व्याकुल है, सब कुछ बंद में है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, प्यासा था, सामने पशु का आ गया, रागी आ गया, क्या पानी पिला दो, क्या तुम हो कौन, इतनी भयानक शक्ल है तुम्हारी, ग्रामीण शक्ल है, तुम्हारे पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे हैं, इतना भयानक तुम्हारा चेहरा है, मैंने पाप किए ना, तुम चिंता मत करो, जो भगवान का नाम लेकर चल रहे हैं
जो चलते हुए ईश्वर सिमरण करते हैं उनको भूत पिशाच धातु शाकी बेताल कुछ भी ऐसी चीजें डरा नहीं सकती है। नक्षत्र ग्रह भी उनकी पक्ष में रहते हैं। इस बात का विचार करके मैं आपसे कहता हूँ डरो मत, क्योंकि मुझे आज भी जो है ना चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पिशाच जोन में अनेकों वर्षों से हूँ, तभी मैं आज शांत नहीं हो गया हूँ। कि एक बार जब बाली नदी के किनारे गया था मैं, वहां पर मैंने कुछ वचन सुने, कथे के अंदर क्या वचन सुने थे, किसके वचन है? प्रेत ने कहा सारस के वचन है। कैसे सुने थे बताओ आप? कथे का और है ना पिशाच का वार्तालाप हो रहा है। प्रेत कहने लगा इस वन में कोरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है, मैं घूमता हुआ प्यास से व्याकुल था, पाप कर्मों से संतंग था, पानी की तलाश में थकावट मेरे को बहुत हो रही थी, पानी मिलने रहा था, संयोगवश मैं नदी के किनारे पर पहुंच गया, वहां पर ठहर गया। मैंने क्या देखा, थोड़ी देर में एक बड़ा भयानक बंदर जो था एक बड़े वृक्ष से उतर कर आया, बड़ा लाल मुक्ता उसका, वहां एक सारस सोया हुआ था। मंदिर ने कई पक्षियों को देखकर छोड़ दिया और स्वयं सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। पक्षी सारे उठकर भाग गए और सारसी जो थी सारस की पत्नी भयभीत होकर विराट करने लगी, नेत्र खुले। सारस ने बंदर को देखा, ये मेरे प्राण में आया है, ये मुझे पकड़ रहा है। मधुर वाणी ने बोला, बंदर तुम बिना प्राण में को क्यों देख रहे हो? मैंने तेरे को बिगाड़ा नहीं है, तेरा नुकसान नहीं किया है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझे पकड़ने में लगे हो, दुख देने में लगे हो? दंड तो राजा भी उसको देता है जो अपराधी हो, जो गलत काम करते हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा अपराध को दुख देना ये महापाप है, ये ठीक नहीं है, न्याय तो नहीं है। कोई भी प्राणी, हम सारस जो है ना बड़े अहिंसक हैं, काई खाते हैं, मांसरोप के किनारे रहते हैं और किसी को दुख नहीं देते हैं। हम काई खाने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, मन में रहते हैं और किसी को दुख नहीं देते, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात हम बुरों की संगत से ही भर देते हैं, हम बुरों की संगत से ही दूर रहते हैं। किसी को कष्ट देने की बात ही क्या? फिर मैं निरपराधी हूँ, तो अन्य अपराधी कौन है जो किसी को कष्ट नहीं देता है, चोरी नहीं कर रहा, बुरों की संगत नहीं कर रहा? वो समझा रहे हैं वो मेरा अपराधी है, और उसको क्यों तंग कर रहे हो? बंदर ठहर गया। सारस ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की लड़ाई जानता हूँ। जब सारस ने ये कहा, बंदर हतप्रभ हो गया, छोड़कर बैठ गया। क्या कह रहे तुम? तुम पक्षी हो, मैं बंदर हूँ, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? और तुम इस जन्म की बात, पुराने जन्म की बात भी जानते हो, ये कैसे जानते हो? अज्ञानी पक्षी हो, मैं मन में घूमने वाला हूँ और बात तुम मगन में की कर रहे हो। ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुमको बड़े धर्मात्मा हो, जैसे तुमने बड़े शुभ कर्म किए हो।
और तुम्हें अंतर्यामता आती हो, सारस करने लगा मैं अपनी जाति की यथा जो सारस है वो अपने उनकी जाति ऐसी है उनको समृद्धि रहती है जन्म की। मैं जाति की समृद्धि के बारे तुम्हारे जन्म का सब बताऊंगा। अगर जानते हो तो सच्ची बात कहो, ये आदमी जान बचाने के लिए बहाना कर रहे हो। सारस ने कहा जहां तो कई बार गई और कई बार आई, मैं कहा ना मैं सत्य बोलता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, अहिंसावादी हूँ, मेरे पे विश्वास करो। अच्छा बताओ भाई, तुम पूर्व जन्म में पिंड प्रगट के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। सारस कह रहा है आप तो थे राजा और मैं था तुम्हारे कुल का बड़ा पुरोहित। तुम राजा थे और निर्दयी थे, दया नहीं करते थे, धर्म का पालन नहीं करते थे, प्रजा को दुख देते थे, पीड़ा देते थे, बाल पूर्वक उनके जो है ना गृह में जाकर उजाया करते थे और कर वसूल करते टैक्स लगाना। ये सारी की सारी बातें जो धर्म के रूप थी वो तुम अपने राज्य के मद में अहंकार में आकर सारा काम करने लगे। प्रजा को पीड़ा देने के जोगनी थी उज्वाला से तुम पहले तक, अर्थात प्रजा पालन राजा का धर्म है, धर्म से पालन करे, प्रजा को पुत्र सम्मान समझे, संतान सम्मान समझे, धर्म प्रायण हो तब तो राज्य में सब कुछ होगा। और अगर राजा विपरीत हो गया, अधर्मी हो गया, तो जैसे कहा कल राजा जो था प्रेत बना हुआ, क्या बना के जब तक धर्म पालन करता रहा, राजकोष भरा रहा, सब हाथी घोड़े महल मारियां रानियां प्रजा सुखी, और जहां धर्मी हो गया तब नष्ट हो गया, अकाल पड़ा, पीड़ित हो गए लोग, जाने लगे। कहने तुम राजा होकर सारी प्रजा को दुख देते थे, अत्याचार करते रहे, तुम पहले बड़े पाप कर चुके हो और मेरे को पकड़ने आया। मैं जानता हूं अधर्म के कारण, पाप के कारण तुम पहले तुम भी नरक में गिराया गया, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष व्यतीत हुए, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, पाप के कारण धर्म से जो है दोनों कर्म के कारण 3000 वर्ष तक तुम्हें नरक भोगना पड़ा। नरक से निकल कर पाप जो है ना पिछाने छोड़ते रोज करें, कि नरक तो भोगनी पड़ेगी, उसके बाद अगर योनि में जाना पड़ेगा। पाप बचे खुचे रह जाते हैं, वो कह रहे हैं कि पापों के कारण तुम नरक से निकल कर भी नंबर की योनि में आयो। पाप गजर पाप जो कभी माफी होती नहीं है, ये हो जाएगा तो भाई अनेक प्रकार के नरक भोगने पड़ेंगे, उसके बाद भी छुटकारा नहीं है, इतना महान दारुण दुख सहना पड़ता है। मुझे मारना चाहते हो और तुम बंदर क्यों मने हो, तुमने गरीब आदमियों के बगीचे जो थे ना घोड़सवार करके पेना को साल देकर उजाड़ देते थे, लूटपाट करते थे, उसी कारण उस पाप का अत्याचार का निर्दयी होने का ये भयंकर पाप जो था नरक भोगने के बाद बंदर हुए, उसी कारण बन जा रहे थे और वनवासी हो गए। अवश्य मेघ अपने किए कर्मों का जीव को फल भोगना पड़ता है, इसको कोई नहीं हटा सकता, कर्म क्षेत्र है। महाराज संतराम लिखे पाप करके फेतु सुख चाहे,
ਏਕਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਸਤੂਰ ਮਾਹੀ ਉਸਕਾ ਦਸਤੂਰ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸਾ ਫਲ ਇਹ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਨਿਆ ਇਹ ਕਾਂ ਕਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਆ ਨਾਮ ਜਿਨ ਜਿਨ ਬੀਤਾ ਅਮੀਰ ਰਸ ਪੀਤਾ ਅਮੀਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਨਥਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਵਿਸ਼ ਬੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੈਸੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕੋ ਤੰਗ ਕੀਆ ਪੈਰ ਕੋ ਦੁਖੀ ਕੀਆ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪੜਾ ਅਬ ਬੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਸ ਕਾ ਜਨਮ ਲੇਕਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਮੋਚਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਸ ਵੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਾ ਪਾਪ ਕੀਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋਨੀ ਮਿਲੀ ਜਬ ਯੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸਾਰਸ ਤੋ ਬਾਨਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੋ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਤੋ ਰਾਜਾ ਥਾ ਮੈਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਏ ਬੰਦਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਬੁੱਕ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਰਾਜਾ ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਧ ਥਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰੋ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਵੋ ਕਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਮ ਕੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਤਾ ਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਨਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਕਾ ਢੇਰ ਦੀਆ ਗਈ ਦਾਂਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੂੰ ਰਾਜਾ ਕਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਕਰ ਲੋਭ ਮੈਂ ਆਕਰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਕੀ ਮਹਿਤਾ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਆਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਟਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਅਰਥਾਤ ਆਸਤੇ ਧਰਮ ਕਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਸਤੇ ਧਰਮ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਮਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਾ ਬਾਗੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੇ ਜੋ ਥਾ ਧਨ ਵੀ ਦੀਆ ਥਾ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਵੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਬਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੈਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮਦ ਮੇ ਆਕਰ ਲੋਭ ਮੇ ਆਕਰ ਨੀਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਸੁਪ ਨਰਕ ਮੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਸ ਸੁਪ ਕਦਮ ਨਰਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੋ ਗਏ ਕੈਸੇ ਨਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਥੇ ਰਕਤ ਔਰ ਪੀਠ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਸਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਕਾਟਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਔਰ ਪੀਠ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਸਿਰ ਔਰ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਅਰਥਾਤ ਲਟਕਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਉਲਟਾ ਖੂਨ ਔਰ ਪੀਠ ਚਾੜਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕੀੜੇ ਕਾਟਤੇ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਕੀੜੇ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਸ ਤੱਕ ਨਰਕ ਭੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਕੋ ਭੋਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਧਰਮ ਪਰ ਚਲੇ ਮੈਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਆ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪੜਾ ਨਰਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁਆ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਮੈਂ ਆਜ ਵੀ ਰੋ ਰਹਾ ਹੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀਆ ਇਹ ਨਰਕ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਲੋਭ ਔਰ ਮਨ ਕਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲਾਈ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਨਰਕ ਹੋ ਕਰ ਐਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪੋ ਕੇ ਕਾਰਨ
महान नर की आत्मा फैसला हुआ, सारसी योनि में आया हूं। मैंने जब प्रोहित था अपनी बहन के साथ से भी चोरी की थी। मैं जुआ भी खेलता रहा। इन सारे पापों के कारण मुझे महान कारण दुख सुना। मैं तुम्हारी स्त्री साथी क्यों बनी? ये मेरी धर्म पत्नी थी ना। ये मुझे जो है समझाया नहीं, ये नहीं कहा ये काम मत करो। नहीं संगली थी ना, चोरी का माल में आता था, उसने मना नहीं किया। मेरा साथ दिया ये ठीक है, पर गल जगह साथ दिया। अर्थात पत्नी का धर्म बता रहे हैं कि यदि पति गल भी चल रहा है तो धर्म है स्त्री का, राय रास्ता लाओ, समझाओ मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना मुझे। इसने भी लालच में आकर मेरा साथ दिया, इसने मेरे भोगे, तभी ये अभी मेरी पत्नी बनी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कर्मों का फल कह रहा हूं, जैसा कर्म वो भोगना ही पड़ेगा। देवता भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का विधान अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, इसमें कोई सुधार नहीं है। अब आगे भी क्या होना ये भी मुझे पता है। अब हम हंस बनेंगे और कामरूप देश में हमारा निवास होगा। इसके पश्चात और कई योनियों में जाना पड़ेगा। इन सारी योनियों को अभी हमने भोगना है। एक जन्म के पाप कई जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। नरक तो भुगतानेंगे, लेकिन पशु पक्षी ये भी बनना पड़ेगा। तो कई बार वृक्ष बने, एवर के एवर पत्थर पहाड़, ये भी योनियां हैं। कहते हैं इन सारी योनियों को भोगने के बाद फिर जाकर कहीं जो मुझे आभास हो रहा है मनुष्य नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन कई और जन्मों के बाद। प्रसाद संगत मनुष्य देह की महानता क्या है? कई पदार्थ मानुक देहुरिया वो भी मन की तेरी बढ़िया और कहा तेरे किसी न काम प्रसाद संगत बाकी बनो कई जन्म बाकी पतंगा। तो मनुष्य देह दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है। यदि पाकर भी पाप हो गए, अत्याचार हो गया, अनाचार हो गया, कर्म के विरोध हो गए तो भाई भटकना पड़ेगा। और यदि मनुष्य पाकर धर्म प्रायण हो गए, दान दिया, दक्षिणा दी, सेवा की, माता पिता की, गुरुजनों की, समाज की, ने कर्म किए, यहाँ भी शोक आगे भी शोक, नहीं तो भाई फिर ये सारा नक्शा हमारे सामने है, सारी बातें लिखी है सदुशुद्ध में। इतनी योनियों के बाद फिर जाकर कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होगी और मनुष्य योनि में मनुष्य पाप भी करता है, कर्म भी करता है, इसलिए दुख और सुख आएंगे। दुख और सुखों में समभाव रहकर हम चले। दुख आए हैं तो कई पाप हो गए जाने अनजाने में, मन सा वाचा कर्म रोके थे, मन से बुरा सोच लिया, पाप हो गया, वाणी से बुरी बात कह दी, तीक्ष्ण स्वर कह दी, परिश्वचन कह दी, पाप हो गया। और यदि कर्म पाप किया तो है ही। तो कहते हैं मनुष्य कर भी जीव मनसा वाचा करना जाने अनजाने में पाप कर बैठता है, इसलिए उसको भी दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। ये सारा संसार माया जंड उमा बाल जोशित की नाई सवेरे चावे राम का, राम की माया बड़बड़ों में चाह देती है। नारद जी माया में आकर कैसे फंस देते, सारी रामायण का आधार है। तो माया से बचने के लिए एकमात्र उपाय है मायापति की शरण में आ जाए, नारायण के चरणों में आ जाए। संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में आना, हम निवृत्ति मार्ग दो रास्ते बताए, प्रवृत्ति का निवृत्ति का।
वृत्ति मार्ग है कि संसार के प्रबंधों में फंस कर इसमें उलझे रहो, माया घेरे रहती है। वृत्ति महापुरुष जो है संत महात्मा जो संसार के संबंध को छोड़ दिया है, जो निश रूप में स्थित है, जो हर समय लगा जा जिनका हो रहा है, जो अनंत आश्रम है आश्रम में जिनका ध्यान मालक की ओर है और इस बात को अपना अनुशासन रूप से लेते हैं कि शरीर छोड़ना है, कहीं अपने गोने में जाना पड़े, नरक के दुख न खाने पड़े, अपने आप को संयत रख के चलना है, धर्मपरायण होना है। और सभी मनुष्य संसार में माया के वशीभूत होकर अच्छे बुरे कर्म करता हुआ फल भोगता है। इन सब से बचने का एकमात्र उपाय प्रेम भक्ति समर्पण ईश्वर शरण। इसलिए प्राणियों को चाहिए धर्म का सेवन करना। सभी के सभी देवता हों, असुर हों, मनुष्य हों, ये सब कंटक में मार्ग है, औखी घड़ी है ना, दुश्वार रास्ता है, जगह जगह रुकावटें आएंगी, प्रलोभन आएगा। प्रहलाद जी और ध्रुव जी जब ध्रुव जी भक्ति करने गए हैं, रास्ते में कितने प्रलोभन आए, ये ले लो वो ले लो, माया ने अनेक रंग जो है ना रूप धारण किए, पर सच्चा भक्त था ना, इसलिए जन्म की तपस्या थी, जो बालक होने के बाद भी भगवान को प्राप्त हुए। तो कहते हैं ये माया का जाल जो है फैला हुआ, इससे मानव को अपना धर्म निभाते हुए सही मार्ग पर चलते हुए शांति से प्रयास करना चाहिए। केवल वेदांत जाने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो योग में लगे हुए हैं, सारी योग की विधि महाराज संत रामी हमें सारा महीना बताई ना, योग है जुड़ना, दो दो चार भगवान से अपने आप को जोड़ देना, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नाशवान नहीं हूँ, मैं उसका अंश हूँ और मुझे उसमें मिलना है, ऐसा विचार करते हुए जब चलेंगे तब बचाव होगा। और जो नहीं कर पाते, जो वृत्ति मार्ग पर चलते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी कहीं फल को पहचान नहीं सकते, इस वास्ते मानव को चाहिए उपाय से। उपाय क्या है? भगवत भजन है, नाम सिमरण है, शुभ कर्म है और बुद्धि से। बुद्धि मन इंद्रियां, बुद्धि फिर आगे, पहले बुद्धि को निर्मल रखना है, विवेक से काम करना। भगवान ने मनुष्य दी दी है आहार निद्रा ब्रह्म स्वयं पे समान पशु, खाना पीना स्वयं हमारा जो कहते ना संतान भी तो पशु भी करते हैं, फिर विशेषता से धर्म से विवेक दिया भगवान ने, बुद्धि दिया, सोच के चलो, समझ के चलो, बुराई से बचो, बुद्धि को निर्मल रखते हुए अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। ये महापुरुष बता रहे हैं कि तुम भाई पहले राजा थे, फिर नरक में गए, फिर अधम योनि में आए हो, ये सारा का सारा कर्मों की तो बात है ना। और यदि अनुष्य गई कई योनि की बात मिलेगी, फिर भी ना याद रहा तो पहले की बात याद करना, धैर्य रहो कि मैं पक्षी या पक्षी हूँ या पापी हूँ, मैं दुखी हूँ तो अपने कर्मों के कारण, प्रतीक्षा करो उस समय की जब मनुष्य नहीं मिलेगी। और ये भी याद रखना कि मनुष्य नहीं पाकर शुभ कर्म नहीं किए, अपने आप को नहीं संभाला, मेरे को बुद्धि से काम नहीं दिया, तो फिर उसका जो है नतीजा क्या होगा। मैंने तुम्हारे कुमार की बात कही है तो प्रेरित कर रहा है सारस के ऐसे वचनों को सुनकर मेरे भी ध्यान आया कि मैंने भी पाप किए, मैंने भी नरक भोगे, अब मनुष्य नहीं मिलेगी
ध्यान रखूंगा मैं। अब मुझे बोध हुआ और मैं शोक कर्मों का मेरे नाश हो गया है, ऐसा बता रहे महाराज। सारा मार्ग एक ही बात पर आधारित है, शुभ कर्म और पाप कर्म। शुभ कर्म सुखदायी, पाप कर्म दुख देने वाले। उस सबका प्राश्चित, सत्संग, मां का स्नान, संतों के वचन, मनोजनकारी, मनसा वाचा करना, अपने आप को संभाल के रखना, सारांश ये है, निष्कर्ष ये है। प्रार्थना करें बापू जी महाराज, कंटक में रास्ता है लेकिन आप अगर कृपा करेंगे सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बात करें ओखी घटी बिखरा करना, प्रियं संग होए सहाय गुरु, सब संगत में अरदास करो मेरे मनो न विसरे भाई, सब संगत में अरदास करो मेरे मनो न विसरे भाई। मोह दीन न दीन हित तुम सवार रघुवीर, अज विचार रघुवंश मने हरो विशंभव वीर सियावर राम। जय जय तेरे प्रभु राम, जय नानक राम चढ़ती कला के श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। संग जी बापू जी के सेम कृपा से माघ का महीना का समाप्ति पर है। सारी संगत से प्रार्थना है, परिवार को लेकर, परिजन परिजन सबको लेकर कल हाजरी दो, कल भी आ जाओगे, माघ सारे महीने का फल मिल जाएगा, रोना नहीं है। बापू कृपा करें। ओम बापू नंदा।